आईपीएल 2022 के 15वें सीजन का 15वें मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट और दिल्ली के बीच खेला गया। अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला डिवाइन पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए, जिसमें दिल्ली के तरफ से पृथ्वी शॉ 34 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 61 रन बनाए। वहीं वार्नर की बात करें तो वार्नर ने 12 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाए। वहीं रोमन पॉवेल ने 3 रन बनाए। इसके बाद पंत नवाज 36 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 39 रन बनाए। के बाद सरफराज खान भी नाबाद 28 गेंदों में 3 चौके की मदद से 36 रन बनाए। वहीं अगर लखनऊ की तरफ से बॉलिंग के बात करें तो जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 30 रन देकर कोई भी विकेट नहीं लिए। वहीं गौतम ने 4 ओवर में 1 मेडन के साथ 23 रन देते हुए 1 विकेट झटके। वहीं अगर आवेश खान की बात करें तो आवेश खान ने 3 ओवर में 32 रन देकर कोई भी विकेट नहीं चटकाए, जबकि रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट झटके। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे लखनऊ सुपर जायंट की टीम ने 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 155 रन बनाकर मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। अगर लखनऊ सुपर जायंट की बात करें तो केएल राहुल ने 24 रन बनाए, जबकि क्विंटन डिकॉक ने तूफानी पारी खेली, जिसमें 52 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 80 रन बनाए। वहीं दीपक हुड्डा ने 11 रन बनाए। अगर कुणाल पांड्या की बात करें तो कुणाल पांड्या ने 14 गेंदों में 19 रन की पारी खेले। वहीं आयुष बदोनी ने 3 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 10 रन बनाकर टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। अगर दिल्ली की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो कुलदीप यादव ने 2 विकेट चटकाए, जबकि ललित यादव और शार्दुल ठाकुर ने एक एक विकेट चटकाए।